जी सर बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर नेक में पेन है और खिंचाव है, अगर मैं अपनी ट्विस्ट करता हूँ गर्दन को तो फिर पेन होती है, वैसे बिल्कुल जैसे स्टिक हुआ तो भी मसल इस तरह में फील आता है। मुझे ये बताएं कि सांस लेने का कोई मसला तो नहीं है? सांस लेने का मसला नहीं। कोई और प्रॉब्लम? आर्म्स में पेन तो नहीं जाता? नहीं आर्म्स में जाता, साइड से जाता, छोटे राइट की तरफ नेक टू टेल पेन यहाँ पे है। ये तो मूव ही नहीं कर रहा। नहीं यहाँ लेफ्ट पे रोटेट करें, इससे आगे नहीं जा रही? नहीं राइट पे रोटेट करें, यहाँ पे पेन, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे पेन नहीं है? हाँ जी यहाँ पेन नहीं है लेकिन गर्दन नहीं सकती, आगे नहीं जा रहा। ठीक है सांस नहीं जा रहा सर, निकाल लें लेफ्ट ऊपर है राइट नीचे। मैंने आपको पहले बेड के हवाले से एक्सप्लेन करना था, इस बेड पे डिफरेंट मूवमेंट्स पॉसिबल है, आप शूज़ वगैरह ऑफ कर दीजिए, फिर आपने उल्टा लेट में तो मैं आपकी नेक को एडजस्ट कर देता हूँ, अपर बैक और मिड बैक को एडजस्ट करूँगा, कॉजेस का लिंक है आपकी नेक के साथ। इजी छोड़िएगा, गहरा सा सांस लीजिए, निकाल दीजिए, गहरा सा सांस लीजिए, निकाल दीजिए, थोड़ा सा और आगे बस। रिलैक्स कीजिए, गुड। तो आपने सीधा लेटना है, रिलैक्स करें, आगे खोलिए, चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे आपको? नहीं रिलैक्स है, रिलैक्स करें। ठीक हाँ जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मच बेटर। अपनी नेक को राइट साइड पे रोटेट करें, पेन लेफ्ट पे रोटेट करें, लेफ्ट पे रोटेट कीजिए अपनी नेक को, वेरी गुड। ऑपोजिट साइड पे है, राइट पे रोटेट कीजिए अपनी नेक को, एनी पेन? कुछ एडवाइसेस दूंगा आपको उसके लिए शेयर होंगे। अच्छा मैं आपको कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगा, बिकॉज जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है दैट वुड बी ग्रेट, हम उसको बार बार फौरन ना करें, वेरी नेक्स्ट डे हम उसमें थोड़े से गैप देते हैं। तो कुछ स्ट्रेचेज हैं जो कि आपने अपने नेक के लिए करने हैं ताकि जो आज रिकवरी हमने अचीव की है वो मेंटेन रह सके। उसके लिए आपने करना ये है कि अपना राइट ईयर जो कि आपका ऑपोजिट साइड पे मेरी तरफ से आ रहा है आपने वो शोल्डर से टच करना है इस इन दिस वे, और पुल करना है राइट हैंड को अपने कान को शोल्डर से टच करते हुए, राइट हैंड आपका सर को पुल करेगा डाउनवर्ड्स, इसको आपने स्ट्रेच करना है फॉर 15 to 20 seconds, 3 रेपिटेशन लाजमी कीजिए, 15 to 20 seconds का होल्ड होगा। इन द सेम वे ऑपोजिट साइड पे आपने ये स्ट्रेच देना है, इससे फायदा ये होगा कि आपके नेक के जो मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव रहेगी, मेंटेन रहेगी और आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। अभी आपका पोस्चर जो कि राइट और लेफ्ट में इम्बैलेंस आ रहा था वो स्टेबल हो गया है, ये बैलेंस पर आपका वो बेहतर हो गया है, आपकी नेक की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, आपकी पेन थी वो सब खत्म हो गई विद इन 5 minutes। बट इस रिकवरी को मेंटेन रखने के लिए यू हैव टू डू दीज स्ट्रेचेज फॉर एटलीस्ट 1 week टू मेंटेन द रिकवरी, और ये देर पर आपकी रिकवरी भी इससे लॉन्ग टर्म रिकवरी भी इससे आ जाएगी। ठीक।